साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदीया से रिलेटेड, क्योंकि सऊदीया की आज कुछ ठीक न्यूज़ आ रही हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ें हैं, मैं बताऊंगा आपको। लॉकडाउन से रिलेटेड बात करेंगे, वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, विजिट एंड वर्क परमिट सभी रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं पहले सऊदी अरबिया से रिलेटेड। आपको पता साथियों, सऊदी अरबिया में कोरोना इंडिया की एक तरह से बढ़ रहा है, तो लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन कुछ अभी शुरुआत हो गई है डाउन करने की, लॉकडाउन को डाउन किया जा रहा है, तो आगे उस पर हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ नए अपडेट निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो बता दूं, जो विजिट वीजा में सऊदी गए हुए थे, जो लॉकडाउन की होने की वजह से फंस चुके थे, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था, तो उनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ साथियों, तो जो विजिट वीजा थे, विजिटर थे, ओनली विजिटर जो सऊदी में फंसे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल में जो बैठे हैं वीजा लेके, उनका जो वीजा लेके सऊदी पहुंच चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका 3 महीने के लिए वीजा एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी हम बात करें साथियों वर्क परमिट के बारे में, तो भाई देखिए वर्क परमिट के बारे में अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है 1 जून से पहले पहले वर्क परमिट वीजा वालों के लिए जो डेट आ जाएगी। उसमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि भाई वर्क परमिट वीजा जिनके पासपोर्ट में स्टाम्पिंग हो चुका है वीजा, उनको सऊदी बुलाएगी, वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, ये सुनने में आ रहा, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल रिपोर्ट तो भाई जो अथॉरिटी आदेश डालेगी उसी में तय होगा, लेकिन अभी तक थोड़ी बहुत न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी विजिट वीज़ा वाला मुझे नहीं लगता कोई खास अपडेट है, क्योंकि भाई जो विजिट में वहाँ जाके फंस गए हैं, उनका क्या रिन्यू करना है, वो तो पूरे वर्ल्ड रिन्यू कर रहा है, सऊदी ने कोई अनोखा काम तो नहीं किया, समझ रहे हो बात को। वो तो अगर एक्सपायर हो गए, रिन्यू नहीं करेगी तो भी इंडिया आना ही है, विजिट में ही तो गए थे ना वो। हाँ वो अलग बात है कि विजिट में गए, वो 3 महीने आगे बढ़ गया, तो वो अगर आप चाहें तो वहाँ पे वो वीज़ा लगवा सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। आगे लॉकडाउन से रिलेटेड हम बात करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे अपडेट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। बात करेंगे कर्फ्यू लॉकडाउन से रिलेटेड साथियों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में बता दूं साथियों, किंगडम सऊदीया ने कर्फ्यू के समय को बदलाव कर दिया है। इसमें मैं बता दूं, अभी 3 बजे से शाम को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक ही लगेगा, समझ गए बात को। मक्का को छोड़कर गुरुवार से ही शुक्रवार से अल हरम अल शरीफी मक्का मदीना में नमाज शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, गुरुवार से। आगे अपडेट बात करें साथियों कि प्राइवेट सेक्टर के सारे कामगार अब स्वतंत्र काम पर जा सकेंगे, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के जो काम कर रहे थे, जिनको लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया, वो अपने काम पे जा सकते हैं। घरेलू उड़ान और यात्रा पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है। जी हाँ साथियों, ये अब अच्छी न्यूज़ है। घरेलू उड़ान और यात्रा पर, यानी सऊदी की फ्लाइटों की बात कर रहा हूँ, लोकल टीम में। सऊदी अरब ने आज एक बड़ी घोषणा की है साथियों, सुबह की मक्का के बाहर सारे मस्जिदों को 31 मई से 20 जून के अंदर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां साथियों, ये अच्छी न्यूज है। 21 जून से पूरे किंगडम में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया है, ताकि जिंदगी आराम से लोगों की गुजर सके। 21 जून से बात कर रहा हूं साथियों, आगे बहुत लंबा टाइम पड़ा अभी तो। आगे अपडेट ये है साथियों, सऊदी ने वीज़ा विजिट वीज़ा फ्री 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जवाजात कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही अपडेट है साथियों, जो एक लॉकडाउन वैसे तो 31 जून तक चलेगा भाई, 31 जून के बाद खुलेगा, अभी पूरा नहीं खुला है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, अच्छी न्यूज़ है। बस यही 3-4-5 अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फ्लाइट से रिलेटेड अलग से वीडियो डालूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल ऑन करके रखें, ताकि वीडियो डालूँ, नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।